हाय गाइस, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इजी ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। तो मैंने उसके लिए लिया है हाफ बाउल पाउडर शुगर, दो एग्स एंड 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर एंड 4 टेबलस्पून शुगर। ये हमने चाशनी बनाने के लिए लिया है। और 1 1/2 कप मिल्क एंड 10 पीसेस ब्रेड के, जिसके मैंने साइड्स काट लिए हैं। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है और उसमें ब्रेड को चूरा चूरा करके डाल दिया है। हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। एंड ध्यान रखें कि जो आपका जार है वो गीला नहीं हो, और हम उसको अच्छे से पीस लेंगे। फिर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैंने एग्स को डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से फेंटेंगे, और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम उसमें डालेंगे वो मेल्टेड बटर, और उसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ताकि ना कोई भी चीज़ रह नहीं जाए और वो अच्छे से हो जाए। और जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे उतनी अच्छी बनेगी। फिर जब वो भी हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, और फिर उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर मैं उसमें डालूंगी पाउडर शुगर और उसको साथ साथ मिक्स करूंगी, ताकि उसमें लम्स नहीं पड़े। और जब तक मिक्स करूंगी, जब तक शुगर मेल्ट नहीं हो जाएगी, अच्छे से सब चीज़ को मिक्स कर लेना है। फिर मैं उसमें डालूंगी मिल्क और उसको भी साथ साथ मिक्स करती रहूंगी, ताकि सब चीज़ एक साथ अच्छे से मिक्स हो। फिर मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए थे, और मैं उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने 4 टेबलस्पून चीनी लिया था, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी पानी। अगर 4 टेबलस्पून चीनी है तो 2 टेबलस्पून ही पानी डलेगा। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक मेल्ट नहीं हो जाती। और ध्यान रखिए कि जब तक आप मेल्ट करेंगे तो आप गैस ऑन नहीं करेंगे। फिर जब मेल्ट हो जाए तब इसको ऑन करेंगे, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी पक जाती है और फिर जल जाती है, इसलिए आप लो ही फ्लेम रखना। और ये बन गई, और फिर मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी, चारों तरफ फैला लूँगी मैं इसको। और मेरी ना ये थोड़ी ठंडी हो गई थी, इसलिए चारों तरफ फैल नहीं पाई, लेकिन कोई नहीं। फिर मैंने जो बैटर था वो उस पर डाल दिया और इसको अच्छे से पटका, ताकि इसमें जो लम बबल्स हों वो निकल जाएं। फिर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था 1-2 मिनट के लिए। फिर मैंने उसमें डाला स्टैंड और फिर उसमें अपना बर्तन रख दिया। मैंने तो प्लेट ढकी थी उसके ऊपर। अगर आपके पास फॉइल पेपर हो तो उसमें थोड़े थोड़े छेद करके वो भी ढक सकते हैं। मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने रखा ही नहीं, मैंने प्लेट ही यूज़ करी। और फिर उस बर्तन को भी ढक दिया और 1-2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाया मैंने इसको। फिर 30 मिनट्स के लिए मैंने लो फ्लेम पर पकाया, और फिर मैंने इसको चेक करी थी कि ये हुआ या नहीं। फिर ये हो चुका था, इसलिए मैं इसके साइड्स हटा रही हूँ। अब ध्यान रखें कि आपके वो पुडिंग पे बीच में नहीं हो। फिर मैंने इसको प्लेट रख के फ्लिप किया, जैसे हम केक करते हैं वैसे ही। ये काफ़ी गर्म था इसलिए मेरा हाथ जल गया था। और ये देखो कितनी टेस्टी लग रही है, ये बहुत टेस्टी थी और बहुत ही फ्लफ़ी बनी थी, एकदम केक की तरह। बाहर जैसे पुडिंग मिलती है ना वैसी। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपने रिव्यूज़ देना, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।